हेलो दोस्तों, मैं ईशान शर्मा। आज के वीडियो में मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा, वेबसाइट पेज का यूआई। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेआउट पेज मैंने लिया है Web 1920, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है 1920 और हाइट है 1080। ऐसा यूआई बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। बैकग्राउंड के लिए दो कलर का यूज़ करेंगे। पहले एक रेक्टेंगल की ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही कॉपी ले ली, इस साइड को रख दिया जहाँ पे वो खत्म हो गया। दूसरे वाले में फिर लेंगे रेड कलर की, रेड। इसमें प्योर ब्लैक ले सकते हैं, पर थोड़ा सा मैं ऊपर रखूंगा। अगला काम हमें करना है पहले लोगो लगाने के लिए। लोगो कंपोनेंट में सेव है, सेट्स में जाके यहां से उठा लेते हैं। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट और Web 1920 जो यहाँ पे पेज का नाम लिखा रहता है उस पर क्लिक करके यहाँ पे इस साइड को आके यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन आता है, लेआउट पे क्लिक कर दीजिए। करेक्ट, ठीक है। और ये सारी सेटिंग्स होनी चाहिए। उसके बाद इसे अलाइनमेंट के हिसाब से रख दीजिए। इस ये जो नीली नीली लाइन आई है, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो नीली नीली लाइनें आई हैं, इन्हीं के बीच में हमारा पूरा कंटेंट आएगा, ठीक है। इसके बाहर नहीं रखना कुछ भी। ओपन करता हूँ उनकी आंखें। और अगला हमारा कंटेंट है नेव बार। नेव बार पूरा कॉपी कर लीजिए। इसमें होम, अबाउट अस, स्टोरीज या प्रोडक्ट कुछ भी रख सकते हैं आप, जो आपका मन करे। तीन भी रख सकते हैं, पांच भी रख सकते हैं, छः सात भी रख सकते हैं। इनको एक ग्रुप बना के सेंटर इनको एक ग्रुप बना के सेंटर लाइन कर देंगे। आप चाहे तो ये बंद भी कर सकते हैं, जो लेआउट आ रहा है इस पे। एक नया वो बनाते हैं मेन्यू बटन, हैमबर्गर। इसकी भी इतनी ज़रूरत होगी नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे सब रख दिया, फिर भी एक एडिशनल यूज़ के लिए। इसे यहाँ पे अरेंज कर देंगे और ग्रेड के हिसाब से इसे भी एडजस्ट कर देंगे इस साइड को, ठीक है। ग्रिड फिर बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे लगाते हैं हम अपनी इमेज, इमेज ये रही। इसे थोड़ा छोटा बड़ा कर देते हैं, ज्यादा ही हो गया, ठीक है। सेंटर करेंगे तो ऊपर जा रहे हैं, नीचे करते हैं। अब सिंपल सा हमें यहाँ कंटेंट पेस्ट करना है जो हमने पिछले बैनर में रखा है। कंटेंट सेम आएगा और अलाइनमेंट का ध्यान रखना है। अगर बिना अलाइनमेंट के बनाएंगे तो डिज़ाइन भले जितना भी मर्जी अच्छा हो, पर अगर अलाइनमेंट सही नहीं होगी
देखने में बेकार ही लगता है वो। बटन बनाते हैं, हार्ड बॉर्डर चल रहा है तो इसमें भी हार्ड बॉर्डर ही रखते हैं बटन पे। बस अलाइनमेंट का ध्यान रखना है, मेन फोकस अलाइनमेंट और कलर। बाय नाउ या तो ब्लैक में या तो रेड में, ब्लैक में रखूंगा नहीं, व्हाइट में रखेंगे अच्छा से, या रेड में। ठीक है, अब इसे सेट कर देंगे ग्रुप बना के। अगर आप रेट लिखना चाहें तो इसके ऊपर रेट लिख लीजिए, इसकी एक कॉपी और ले लीजिए। लिखते थे ऐड टू कार्ट, इसे भी सेंटर लाइन, और इस वाले में ओपेक्सिटी कम कर देंगे और इसका कलर कर देंगे व्हाइट। यहाँ पे मैं प्राइस में ऐड करता हूँ, $199.00, और ये सबसे बोल होना चाहिए। तो इसके लिए मैं फॉन्ट लूंगा हेलवेटिका बोल्ड, हेलवेटिका बोल्ड फॉन्ट लिया, और ये ऊपर वाले से सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसका कलर होगा रेड। मैं म्यूजिक और साउंड ही बोल्ड में रहेगा, बाकी सब बुक। हेलवेटिका अभी यहाँ पे प्राइस कुछ सही नहीं लग रहा, तो प्राइस के साथ कुछ खेलते हैं। ये इसकी कॉपी ली, प्राइस वाले को हल्का सा राउंड कर देते हैं, और ये रखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इस पे विदाउट राउंड करें, और इसे चाहे तो हम थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। एक चीज के अंदर रखना है ये इस वाले टैग के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डिजाइन कंप्लीट है लगभग। अब इन फोलो वाले सारे लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पे हमारा डिजाइन कंप्लीट, एक बार यहाँ पे लास्ट वर्क रेट देख लेते हैं, कोई पार्ट नहीं जा रहा।
तो बस आज के वीडियो में इतना ही, एक बार आपको दिखा देता हूँ फाइनल ये रिजल्ट आया है फाइनल। आज की वीडियो में इतना ही, अब अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।